everyone, how are you doing guys? My name is Ritu and welcome to my YouTube channel Pinnacle of Spoken English. Guys, today we will talk about foods. The tasty tangy pani puri, the hot and sour chili potatoes, the salty and spicy chana masala, the sweet dulcified ras malai, and the luscious rich paneer butter masala. Guys, my mouth is watering. माई माउथ इज वॉटरिंग ऑब्वियसली जब हम इतने डिलेक्टेबल चीजों के बारे में बात करेंगे, फूड्स के बारे में बात करेंगे गाइज, तो माउथ तो वॉटर करेगा ही. सो गाइज, माई माउथ इज वॉटरिंग मीन्स मेरे मुंह में पानी आ रहा है. ऑलराइट गाइज, और वैसे भी जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनके सामने फूड की बात करेंगे तो देयर माउथ स्टार्ट वॉटरिंग. राइट गाइज, सो जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैसे कि मुझे कहना होगा कि मैं खाने की शौकीन हूँ. So I can say I'm fond of eating. मुझे आपसे पूछना होगा कि आप खाने के शौकीन हैं, तो मैं कहूंगी Are you fond of eating? आप कहेंगे Yes, I'm fond of eating. और अगर आप खाने के शौकीन नहीं हैं तो आप कहेंगे I'm not fond of eating. Fond of actually एक structure है guys, और वो हम use करते हैं ये कहने के लिए कि हाँ हमें इस चीज का शौक है या हम इस चीज के शौकीन हैं. We love to do this. Alright guys, जैसे कि आप ये कहाँ और कैसे use कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक. और टेस्ट, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ खाने पीने की, स्पेशली फूड्स की. ओके गाइज, सो देखिए मेरे पास कितने अच्छे वर्ड्स थे, कितनी अच्छी वोकैबुलरी थी जिसके बेसिस पर मैंने आपको जो भी फूड्स थे उनको डिस्क्राइब किया. अगर ये वोकैबुलरी मेरे पास नहीं होती तो मैं हर फूड के सामने सिर्फ यही लगाती, द टेस्टी पानी पूरी, द टेस्टी चना मसाला, द टेस्टी चिली पोटैटो. सो जो वैरायटी होती है ना एक स्पीच की, वो हम मिस कर देते हैं अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है. राइट गाइज, दैट इज वाई वी नीड वोकैबुलरी. ओके गाइज, सो वैसे भी अगर हमें कहना हो कि खाना बहुत टेस्टी है, उसके लिए देखिए हमारे पास कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. हम कैसे कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द फूड इज डिलेक्टेबल. अब देखिए, अब लर्न करने का भी एक तरीका है गाइस, उसको हम लर्न कैसे करेंगे? ये वर्ड्स तो हमारे पास आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन अब हम इन्हें लर्न कैसे करें? तो स्टार्टिंग विद टेस्ट. जैसे हमें कहना होता है कि भाई टेस्टी खाना है, अच्छा खाना है, सो वी कैन से टेस्टी. टेस्टी के साथ ही हम कहेंगे इट्स टेस्टफुल. टेस्टफुल से हम क्या कह सकते हैं? इट्स फ्लेवरफुल. और फ्लेवर से ही हमें एक और वर्ड मिल जाता है, फ्लेवरसम. फ्लेवरसम, फ्लेवरसम के साथ हम एक और वर्ड लगा सकते हैं, जब सम उसमें है तो सम से ही हमारे पास एक और वर्ड है, दैट इज टूथसम. राइट गाइस, टूथसम के साथ हमारे पास है माउथ वाटरिंग, क्योंकि टूथ है, माउथ में है, माउथ से रिलेटेड है, सो माउथ वाटरिंग फूड. हम कह सकते हैं ओ द फूड इज रियली माउथ वाटरिंग, इतना अच्छा टेस्टी खाना है कि माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. और माउथ वाटरिंग कौन सा फूड होता है? यमी फूड होता है, यमी. राइट गाइज, वैसे भी जो एक फूड होता है जो बहुत टेस्टी होता है उसको हमें खाने में कहते हैं ना चटकारे लेकर खाएं, इस तरह से खाते हैं उसको हम. सो ये जो माउथ का अपर पार्ट होता है गाइज, दैट इज कॉल्ड पैलेट. और पैलेट है तो जब हम इससे कोई साउंड कर रहे हैं बड़ा टेस्टी खाना, आहा, दैट इज कॉल्ड पैलेटेबल. द फूड इज पैलेटेबल. और पैलेटेबल टेबल, पैलेटेबल, सो पीछे वाले वर्ड के जैसे हमें एक और इसका कुछ मिलता जुलता सा वर्ड हमें याद रखने के लिए, देखिए मेमोराइज करने के लिए हम इसके साथ ही उसको ज्वाइन करें, से पैलेटेबल, उसके साथ हम कह रहे हैं डिलेक्टेबल. द फूड इज डिलेक्टेबल. और डी ई एल, डिलेक्टेबल में आता है डी ई एल इनिशियली. सो दिस डेल, इससे हमें एक और नया वर्ड मिल जाता है जो डिस्क्राइब करता है हमारे फूड के टेस्ट को, दैट इज डिलेशियस. डिलेशियस, राइट गाइज. अब सी आई ओ यू एस से हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है, लशियस. द फूड इज लशियस. इन सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सा ही है, मीन्स बहुत स्वादिष्ट खाने के लिए कहा जाता है. लशियस मीन्स होता है जैसा नेम से ही हमें फील हो रहा है, मीन्स द फूड विच इज वेरी टेस्टी एंड जूसी काइंड ऑफ फूड. राइट गाइज, सो लशियस. और एक और जो वर्ड है स्क्रम्पशियस. गाइज, स्क्रम्पशियस मीन्स भी होता है बहुत टेस्टी. ये मेरा फेवरेट वर्ड है विच आई यूज टू ऑफन. और गाइस, सो इस तरीके से देखिए हमने कितने सारे वर्ड्स हैं जो हमारे पास कहने के लिए कि खाना बहुत टेस्टी है या खाना बहुत टेस्टी था. राइट गाइस, बट समटाइम्स व्हेन वी विजिट सम रेस्टोरेंट्स और सम होटल्स,
तो हमें खाना बहुत टेस्टी नहीं मिलता है। लाइक मुझे अभी किसी ने रिकमेंड किया था कि देखिए उस रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। सो वी प्लान्ड एंड विजिटेड दैट रेस्टोरेंट, बट वहां पर खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था। सो जब मुझे कहना हुआ कि खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, इन दैट केस उसके लिए भी तो हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए ना गाइज। सो टेस्ट, टेस्टफुल मीन्स बहुत टेस्टी, तो टेस्टलेस मीन्स बिल्कुल टेस्ट नहीं था। दिस इज अ सिंपल वर्ड, यू कैन से टेस्टलेस, यू कैन से फ्लेवरलेस, यू कैन से ब्लैंड, खाना बिल्कुल फीका था, ब्लैंड। देयर इज वन मोर वर्ड, इंसिपिड, व्हिच मीन्स द सेम, कि खाना फीका था, कोई खास टेस्ट नहीं था उसमें। राइट गाइस, यू कैन से अनसेवरी, कोई स्वाद नहीं था उस खाने में, वो बिल्कुल अनएंजॉयबल फूड था। सो गाइस सी, देयर आर मेनी वेज टू से कि फूड बहुत टेस्टी था या फूड बिल्कुल टेस्टी नहीं था। राइट गाइस, गाइस जो हमारी इंडियन डिशेज होती हैं, इनके नेम्स हम चेंज करके नहीं बोलते हैं, हम इनको कोई ट्रांसलेट करके नहीं बोलते हैं। जो डिशेज होती है हम इनके नेम्स एज इट इज बोलते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, वेदर वी आर कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, बट जो डिशेज के नेम हिंदी में होंगे हम उनको इंग्लिश में एज इट इज बोलते हैं, और अगर चेंज करते भी तो बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, छोटा मोटा। ओके, देयर आर मेनी इडियम्स ऑल्सो रिलेटेड टू दीज फूड वर्ड्स। अब मीनिंग उनका सेम फूड में नहीं आता है, उनका मीनिंग कुछ और होता है, बट हाँ हम फूड वर्ड से वो इडियम्स बनाए हुए हैं कुछ। लाइक आई टेल यू अ फ्यू ऑफ दोस। नंबर वन इज लाइक कप ऑफ टी। जब आपको कहना होता है कि ये काम मुझे पसंद ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, मीन्स समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तो उसको कहने के लिए आप कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, तो वैसे भी किसी टेक्निकल पर्सन से अगर आप पूछेंगे हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग एंड ऑल, सो आप अगर उनसे पूछते हैं कि हाउ अबाउट कुकिंग, डू यू नो कुकिंग, सो ही कैन से इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। एक और एक्सप्रेशन है इन द सूप। गाइज, इफ समबडी अप्रोचेज यू, कोई आपके पास आता है और कहता है आई एम इन द सूप, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सूप में गिर गया और हमें उसको निकालना है, इट्स नॉट लाइक दैट। इन द सूप मीन्स आई एम इन ट्रबल, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए, somebody is saying he is in the soup, that means he is in some difficulty, right guys? So guys, another beautiful expression is a piece of cake. Piece of cake होता है guys something very easy, जैसे अभी कहना होता है कि अरे वो मेरे बाएं हाथ का काम है, it's a piece of cake, करना क्या है, उठाना है और खा जाना है, so that's it, करना कुछ भी नहीं है, तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स रियली सिंपल, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कोई एफर्ट्स ही मुझे नहीं करने हैं। राइट गाइस, हमने 3 एक्सप्रेशंस अभी किए हैं, अभी एक और बहुत अच्छा है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है रियली। गाइस आई लव स्वीट्स, स्वीट डिशेस मुझे बहुत पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। सो गाइज, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मी ऑल्सो, लाइक व्हेन आई से आई हैव अ स्वीट टूथ, टू हैव अ स्वीट टूथ मीन्स have a craving for something sweet. मीठी चीजें खाने के जो शौकीन होते हैं तो वो कह सकते हैं I have a sweet tooth. Right guys? So hope you enjoyed today's class. Hope your mouth watered too. So have a nice time. Keep watching guys. Keep liking. Keep sharing. Thanks a lot.